गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2024 मंगलवार एंड आई एम होस्ट आशीष बरुआ। कल यूएस हॉलीडे था ड्यू टू मार्टिन लूथर किंग डे, इसीलिए डॉलर इंडेक्स रिलेटेड ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी हमने देखा नहीं है, लेकिन आज सुबह से थोड़ा सा अपवर्ड बायस दिख रहे हैं। ये जो आपका डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट है वो आपका 3 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में रेजिस्टेंस के नजदीक कंसोलिडेट कर रहा था, एंड आज सुबह सुबह ये ऊपर की तरफ अब मूव हो रहा है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होते ऑन द हायर साइड, फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब ये दोबारा टने करके नीचे की तरफ आ जाना, अगर नहीं आते हैं इन सच केस, हमारा जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है वो 104 से 104.20 के तरफ। डॉलर रुपी कल एक अच्छा खासा मीन्स नीचे के तरफ डाउन मूव देखा गया था टूवर्ड्स 82.80 लेवल पे सपोर्ट लिया था एंड बेसिकली इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस मिला था उस लेवल पे। और अभी मॉर्निंग मार्केट में ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रहा है। अभी हमें देखना क्या है, क्या देखना है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है एक मीन्स पहले जो सपोर्ट लेवल था 83.10, क्या इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आते हैं, इन सच केस एक अपर कैप बनने का पॉसिबिलिटीज है। सो क्या इस लेवल 83.10 रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या दोबारा ये फिर 83.25-35 के बीच में जाके बैठ जाते हैं, so we need to monitor the price move. GBP dollar अभी है 1.2683, कल के दिन में एक small body candle बनाया हुआ था with price rejections mainly on the higher side. अभी ये एक नीचे की तरफ आने का प्रयास कर रहा है, daily RSI as well as weekly RSI trying to take resistance at 60 and coming down. In such a case, एक selling opportunity आज हम expect कर सकते हैं। GBP INR कल एक नेगेटिव बायस था, आज भी एक नेगेटिव बायस के साथ चल रहे हैं। इमीडिएटली जो आपका 2 जनवरी एंड 3 जनवरी के लो है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ फर्स्ट सपोर्ट। इसके लो के नीचे एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 104.25 लेवल्स। यूरो डॉलर में कल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था, एंड आज सुबह सुबह एक नेगेटिव कैंडल दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट इनक्लाइंड जिसमें काफी टाइम कंसोलिडेट कर रहा था, अगर इस कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा टारगेट होता था 1.1110 से 1.1140, लेकिन अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा लोअर लेवल इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ सपोर्ट, दैट मींस 1.0750 के तरफ जा सकते हैं। सो यहाँ पे एक हाई वेव कैंडल है डेटेड 5th ऑफ जनवरी। ये हाई वेव कैंडल कब बना था, USCPI डेटा के टाइम दिन पे, यहाँ पे एक हाई वॉलेटिलिटी दिखा गया था। ये हाई वेव वॉलेटिलिटी के बीच में ही मेनली 8 जनवरी से प्राइस अंदर में ही कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही हाई वेव के आइदर से ब्रेकआउट करेगा, पॉसिबली ऑन द लोअर साइड होने जा रहा है, इन सच केस एक मीन्स मेजर मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज ऐसे भी जर्मन जियो डेटा है तो उसके बाद एक वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आयनर कल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था एंड आज ये सपोर्ट लेवल के आसपास डाउनवर्ड बायस के साथ देख रहे हैं, 90.40-90.50 का एक इनिशियल सपोर्ट लेवल से, जैसे ही इस लेवल को तोड़ देगा इन सच केस एक शार्प डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 89.60-89.70 के तरफ। डॉलर येन कल एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमने देखे थे, आज ये फर्दर ऊपर की तरफ बायस देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस लेवल 146.20। क्या ये 146.20 लेवल पे रेस्पेक्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आते हैं या ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं
इन सच ए केस 147.50 इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है तो सपोर्ट लेवल वंस अगेन एट 144.20 लेवल एनआईएनआर. एनआईएनआर में कल एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल देखा गया जो आपका 11th जनवरी के लो के वहीं पे क्लोज दिया हुआ है. Being the case, यहाँ पे काफी नेगेटिविटी छाया हुआ है. हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है 0.5650 इस येन डॉलर येन एंड येन आईएनआर पे हमें अच्छा खासा नजर देना है क्योंकि यहाँ पे हमें एक मेजर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. डॉलर कैंडी काफी अप्रिशिएट कर रहा है. अदर वे कैंडी इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड. मीन जो चीज था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था 1.3380 से 1.3420 का. उस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी मॉर्निंग से ये ऊपर बायस कर रहे हैं. सो ये दिखा रहा है कि डॉलर में काफी स्ट्रेंथ है अगेंस्ट कैंडी. इन सच ए केस हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस होगा 136.20 के तरफ. ऑसी डॉलर 0.6621 ये आपका 11th जनवरी का एक हाई वेव कैंडल बना हुआ था एंड उससे पहले 5th जनवरी का एक हाई वेव कैंडल बना हुआ था. 5th जनवरी का मेनली यूएससीपीआई डेटा यूएससीपीआई 11th को था. तो यहाँ पे दो बैक टू बैक हाई वेव कैंडल था. इसके लो के नीचे एक मेजर सेलिंग होने का प्रोबेबिलिटी है. अबव द हाई एक मेजर अपवर्ड थ्रस्ट होना था लेकिन नीचे की तरफ जा रहे हैं. दैट बीइंग द केस हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हो सकता है वो है आपका 0.6540 से 0.6560 CNH 7.1760. कल के दिन में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखा गया. आज सुबह सुबह ये ऊपर की तरफ बायस कर रहे हैं. अभी यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 7.20. एक बार अगर 7.20 के ऊपर सस्टेन कर गए इन सच ए केस ये एक दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं 7.29 से 7.30 के तरफ. यानी पिछले हफ्ते पीबीओसी ने जो भी मेजर्स लिया था ये देखना है कि कितना मींस असरदार होते हैं चाइनीज इकोनॉमी के लिए. मींस अगर असरदार नहीं हुए तो ये 7.20 के ऊपर सस्पेंड करना चालू करेगा एंड अपवर्ड बायस की तरफ जा सकते हैं. ब्रांड क्रूड में काफी वॉलेटिलिटी है. कल एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया फ्रॉम एन हाई ऑफ 79.60 टू ए लो ऑफ 77.28. अभी आपका 78.40. जैसे कि हमारा एनालिसिस है यहाँ पे दो पिवट पॉइंट है. क्या एक लो के तरफ इस पिन बार जिसके लो के नीचे हम सेलिंग बायस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एक ये जो है ये another pivot point that is at 81.4060 levels. जब तक इस दो पिवट के बीच में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर का प्राइस मूव करते हैं तब तक वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं. एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड तो एक मोमेंटम हम आशा कर सकते हैं. जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करते तो वॉलेटिलिटी के बीच में ही हमें प्राइस एक्शंस को मॉनिटर करना है. यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 3.9970. सो ये यहाँ पर भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक है ऊपर की तरफ और एक है नीचे की तरफ. ये जो दो इंपॉर्टेंट पिवट है इसके एक रेंज बनाया हुआ है. जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते पॉसिबली ऑन द लोअर साइड ब्रेक डाउन नहीं करते तब तक यहाँ पे वह एक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यूएस टू ईयर ट्रेजरी 4.20 ये आपका बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल 11th एंड 12th को बनाने के बाद कल एक पॉज था ड्यू टू यूएस हॉलीडे. आज मॉर्निंग से थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं. ये अगर ऊपर भी जाते हैं हमारे पास दो रेजिस्टेंस लेवल है. एक रेजिस्टेंस 4.25 का एंड दूसरा रेजिस्टेंस अपना 4.40 का. ये दो रेजिस्टेंस लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक बार अगर इस लो के नीचे कंटिन्यू करते हैं तो एक हमारा एक सेलिंग बायस हम एक्सपेक्ट.
सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, ए जेंटल रिमाइंडर टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।